हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बारम बाइनरी शेड्यूल ट्रेनिंग। और एक्सेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जो हमारा इंक्लाइन लेंथ है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। सो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में हम एक्सेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मेन ये जो लॉन्ग बार है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस हो रहा है, राइट। सो उसकी जो लेंथ है मैं जो टोटल लेंथ है वो है 6000 + 500, सो दैट इज 6500। सो 6500 उसकी टोटल लेंथ है, सो 6.5 मीटर माइनस टॉप कवर दैट इज 50 mm माइनस बॉटम कवर दैट इज 50 mm माइनस ये डायमीटर जो है वो है 20 mm माइनस ये जो डायमीटर है दैट इज 12 mm। ओके, सो अगर आप 6000 + 500 - 50 - 50 - 20 - 12 करेंगे तो आपको टोटल लेंथ इन मीटर मिलेंगी दैट इज 6.37 मीटर। सो 6.37 मीटर ये है। अब ये बेस 0.3 मीटर, बेस यहाँ पे कितना है दैट इज 0.2 और यहाँ पे कितना है 0.6। सो 0.6 - 0.2 दैट इज 0.4 और यहाँ से मैं क्लियर कवर बात कर रहा हूँ 50-50, सो दैट वन बिकम्स 0.3 दैट इज 300 mm। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी ये जो शॉर्टर बार मीडियम बार है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मीडियम बार कितने कहाँ तक प्लेस होगा वो हमें पता नहीं है, राइट। लेकिन मीडियम बार जो है उसमें बेस कितना होगा वो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि स्लोप इज इक्वल टू राइस बाय रन। तो यहाँ पर राइस कितना है 6.37 और रन कितना है 0.3। तो ये जो बार्स है उसका जो स्लोप है वो है 21.23 डिग्री। सो ये जो सभी बार्स है वो 21.23 डिग्री में प्लेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली सभी बार का जो स्लोप है वो सेम ही है, शॉर्ट बार, मीडियम बार और लॉन्ग बार। अब ये जो स्लोप है 21.23 उसकी हेल्प से हम ये जो बेस है वो हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज राइज। तो दैट इज रन, सॉरी। सो ये रन कितना होगा, सो रन इज इक्वल टू स्लोप बाय राइज। सो रन इज इक्वल टू राइज बाय स्लोप। तो ये राइज और स्लोप यहाँ पे डिनोमीटर में चला जाएगा। सो 4.22 / 21.23 वो हमारा स्लोप है। सो हमें रन मिलेगा 0.2 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे रन मिलेगा 0.1 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राइज है वो है 2.21। 2.21 कहाँ से आया? 1800 + 500, तो दैट इज 2.21। और यहाँ पे जो राइज है वो है 4.22। सो ये राइज सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो राइज कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो 3800, तो अगर हम ये राइज फॉर मीडियम की बात करें तो 3800 + 500 - कंक्रीट कवर 50 - 20 और - 12, तो वो हमें टोटल मिल जाएगा 4.22 मीटर। तो ये राइज हमारा आया 4.22। सिमिलरली ये जो शॉर्ट बार है उसकी अगर हम बात करें तो 1800 + 500 - कंक्रीट कवर - ये डायमीटर - ये डायमीटर, तो वो हमें मिल जाएगा 0.1 मीटर, 2.21 मीटर। और 2.21 मीटर के लिए जो हमारा बेस रहेगा वो है 0.1 मीटर। और फिर बाद में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये जो इंक्लाइन लेंथ है, हाइपोटेनियस लेंथ, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू द बेस और रन ये जो राइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये और ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ओके, सो ये समझना बहुत ही जरूरी था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सेल में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे।